क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट ट्रायंगल एबीसी वेयर ए -20, बी 20 एंड सी 02 एंड ट्रायंगल पीक्यूआर वेयर पी -40, क्यू 40 एंड आर 04 आर सिमिलर ट्रायंगल्स। चेक करना है, हमें चेक करना है ट्रायंगल एबीसी का तीनों दिया हुआ है और पीक्यूआर का भी तीनों दिया हुआ है। हमें अब चेक करके बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या अनसिमिलर हैं, जो भी हैं। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल एबीसी -20, बी -20, सी -02। पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए इन्हें। बराबर 4 बी सी इक्वल टू रूट अंडर 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 बराबर 2√2। बीसी का सी ए इक्वल टू 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 इक्वल टू 2√2। अब आते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल पे चलते हैं हम। पी क्यू आर, पी हो जाएंगे -4, 0, क्यू हो जाएंगे 4, 0 एंड आर हो जाएंगे 0, 4। अब पी क्यू पहले फाइंड करते हैं। रूट अंडर 4 + 4 के होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 के होल स्क्वायर बराबर 8। इसके बाद पी क्यू फाइंड कर लिए, हमको क्यू आर फाइंड करने हैं। क्यू आर फाइंड करते हैं 0 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर 4√2। पी आर फाइंड करने हैं अब 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर 4√2। चलिए इनको चेक कर लेते हैं हम, ये सिमिलर हैं या नहीं। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए बी कितना आया हुआ है 4, पी क्यू कितना आया हुआ है 8 बराबर 1/2। ए बी निकाल दिए। अब बी सी बाई क्यू आर, बी सी कितना हुआ 2√2 4√2, ये हो जाएंगे 1/2। बी सी के बाद आपको निकालना है सी ए डिवाइडेड बाई पी आर 2√2 4√2, ये भी हो जाएंगे 1/2। तीनों कॉमन आ रहे हैं, सो ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल सी ए बाई पी आर। ट्रेंगल ए बी सी इक्वल ट्रेंगल पी क्यू आर, सिमिलर है दोनों ट्रेंगल। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द ट्रेंगल इज 5 square units। टू ऑफ द व्हीकल्स वर्टिकल्स आर 2, 1 and 3 - 2। इफ द थर्ड वर्टिकल्स इज 7/2 वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड करते हैं। ए एक्स वन वाई वन इक्वल टू ए
x2 y2 equal to b3 minus 2 c x3 y3 equal to c7 y2 और y. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 x1 y1 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 है 1/2, 2 कॉमन हो गया, माइनस 2 माइनस y प्लस 3 y माइनस 1 प्लस 7 y 2, 1 प्लस 2 10 इक्वल टू, ये इधर आएंगे तो यहाँ 10 हो गए 2. सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 4 माइनस 2 y प्लस 3 y माइनस 3 प्लस 21 y 2, 10 इक्वल टू y प्लस 7 y 2. यहाँ से 10 इक्वल टू y प्लस 7 y 2. y इक्वल टू 13 y 2 एंड माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 7 y 2. y इक्वल टू माइनस 27 y 2. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ गया. क्लास 10 सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2017 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 19. टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ 10 हैव अ सम लेस देन 7, हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, हैव अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर. क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. सबसे पहले हुज सम इज लेस देन 7, पहले टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 36, क्योंकि लेस देन 7, लेस देन 7 6 से लेकर के 1 तक, तो 6 6 36, ये निकालने का तरीका है. 36 टोटल आउटकम्स होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 15, जो कि दोनों को हम जोड़ेंगे जब तो वो 15 15 बार मतलब कि ऐड होंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 15 by 36, यानी 5 by 12. सेकेंड पार्ट, हुज प्रोडक्ट इज लेस देन 16, हुज प्रोडक्ट इज लेस देन 16, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 25. अब आप जब निकालेंगे तो 25 गिन करके 25 आएंगे. सेम फार्मूला अप्लाई करने हैं ये यहाँ पे भी,
सेम फॉर्मूला अप्लाई यहाँ भी होना है, 25/36 ये समाप्त हो गए। थर्ड पार्ट, डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट ऑफ ऑड नंबर, द आउट कम्स इन फेवर ऑफ इवेंट सी आर 1 1 3 3 एंड 5 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इधर मैं करता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउट कम्स 3 हो जाएंगे। सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होना है, 3/36 यानी हो जाएंगे 1/12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आप यहाँ से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, मिटा देता हूँ। ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई चीफ मूविंग अवे फ्रॉम द चीफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अबाउट चेंजेस 60° to 45° इन 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। इन ट्रायंगल एबीसी एक फिगर पहले बना लेते हैं, एक है 60° पे, एक है 45° पे। यहाँ से ये डिस्टेंस वाई है, यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स है, हाइट 150 मीटर है, हाइट 45° है, ये आपका 60° है। बी ए ये हो जाएंगे, सी डी, हम 1060 निकालते हैं सबसे पहले। 1060 बराबर होता है ए बी बराबर बी सी, यानी 1060 हो जाएंगे √3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी हो जाएंगे 150/x। तो यहाँ पे x जब निकालेंगे हम तो हो जाएंगे 150/√3। इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी 1045, एक बार मैंने 1060 निकाला, एक बार मैं 1045 निकालता हूँ। 1045 जब निकालूंगा ये हो जाएगा ए बी बाई बी डी, ये ए बी बाई बी डी 1045 होता है 1 = 150/BD हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 150। यहाँ पे आप निकालते हैं वाई इक्वल टू 150 - x, एक यहाँ पे निकला एक यहाँ पे निकला। अगला हम आगे देखते हैं, यूजिंग फर्स्ट वी गेट वाई इक्वल टू 150 - 150/√3,
फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, 150 रूट थ्री माइनस वन। मैं एक बार और कहता हूँ, फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देना है, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी इज 2 मिनट इक्वल 2/60 आवर 1/30 आवर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस वाई टाइम यानी वाई बराबर 1/30 इक्वल टू 150 रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री। ये हो जाएंगे 1/30। इनको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएंगे 1500 रूट तीन माइनस एक इतना मीटर पर आवर